आइए जानते हैं कि कौन सी बातों को गुप्त रखने में आपकी भलाई है। नंबर एक, आप विद्यार्थी हो तो भविष्य का लक्ष्य गुप्त रखो। नंबर दो, आप कहीं जा रहे हो तो गंतव्य स्थान गुप्त रखो। यहाँ तक कि बेटा बेटी की परीक्षा का केंद्र शहर गांव से दूर हो तो मत बताओ। नंबर तीन, कहीं पर नौकरी का इंटरव्यू देना है तो इस बात को पड़ोसी और दोस्तों से गुप्त रखो। चयनित हो जाने पर भी तब तक न बताएं जब तक ज्वाइन न कर लो। नंबर चार, आपकी सैलरी किसी से न बताओ, इसको गुप्त रखने में ही आपकी भलाई है। नंबर पाँच, आपकी नौकरी खुफिया ब्यूरो में हो तो इस बात को हमेशा गुप्त रखो। नंबर छः, आपकी शादी होनी हो तो ससुराल का पता शादी तक गुप्त रखो, क्योंकि आपकी शादी तड़वाने की कोशिश भी हो सकती है। नंबर सात, घर में कहीं से धन की प्राप्ति हुई हो तो इस बात को गुप्त रखो। नंबर आठ, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम गुप्त रखो। नंबर नौ, संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो तो बात पुरुषों के मध्य ही रहनी चाहिए, यहाँ तक कि बहुओं को भी इस मामले से खुद को दूर रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि जेठानी देवरानी का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। नंबर दस, बहन बेटी का रिश्ता तय किया हो तो रिश्ते की बात शादी होने तक गुप्त रखो। लड़की दिखाते वक्त पड़ोसन को मत बताओ, अचानक आ भी जाए तो उसे कोई ना कोई बहाना करके वापस लौटा दो। नंबर 11, किसी गलती से बहन बेटी का गर्भ ठहर जाने पर उनका आभूषण कराया हो तो इस बात को भी हमेशा गुप्त रखो। नंबर 12, बहन बेटी का कोई प्रेम प्रसंग खुल गया हो तो इस बात को गुप्त रखो। नंबर 13, पति पत्नी की आपसी प्रेम संबंधी बातचीत या आपसी मनमुटाव की बात को गुप्त रखो, क्योंकि दूसरे इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं और आपके बीच में लड़ाई भी करवा सकते हैं। नंबर 14, बेटा बिगड़ जाए या शराब जुआ खेलने लग जाए तो गुप्त रखो, बल्कि अपने तरीके से उसे सुधारने की कोशिश करें, वरना दूसरे इस बात का फायदा उठा सकते हैं। नंबर 15, बेटा विदेश पढ़ने गया हो तो विदेश का सही नाम और उसका पता गुप्त रखो, दुश्मन विदेश तक भी पीछा करते हैं। नंबर 16, प्रॉपर्टी के पेपर्स गुप्त रखो। नई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो जब तक जरूरत न हो किसी को मत बताइए, वरना दूसरों की बुरी नज़र लग जाती है। नंबर 17, लॉकर किसी बैंक में है, यह भी गुप्त रखो। इससे संबंधित सलाह भी बैंक मैनेजर के अलावा किसी से न लो। मैनेजर की उपस्थिति में भी लॉकर खोलने से बचो, जब वह अपनी चाबी लगा कर हट जाए तब खोलिए। नंबर 18, घर में ज्वेलरी आई हो तो खास तौर से काम वाले बाई के सामने लेकर मत बैठो। काम वाले बाई को सहेली मत बनाओ, वह कभी भी आपको धोखा दे सकती है। नंबर 19, अपना मोबाइल नंबर केवल खास नज़दीकी लोगों तक ही शेयर करिए, किंतु क्रेडिट डेबिट कार्ड का नंबर किसी से भी भूलकर शेयर मत करिए। आजकल कार्ड की वजह से बहुत धोखाधड़ी हो रही है। नंबर 20, छोटे जो 12 से 14 की उम्र तक के बच्चे हैं उनके स्कूल और किसी वाहन से आते जाते हैं, यह बात भी गुप्त रखो। उनका वाहन अगर स्कूल द्वारा तय न हो तो ड्राइवर का पूरा पता नोट रखो। नंबर 21, कहीं भ्रमण पर कई दिन के लिए जाओ तो गुप्त रखो, बेहतर होगा ताले को एक छोटे कपड़े से ढक कर जाओ। किसी पड़ोसी को भी मत बताओ कि आप कब लौटेंगे। नंबर 22, घर में किसी को अगर कोई अति गंभीर बीमारी हो तो गुप्त रखो, बाहरी व्यक्ति की मदद केवल आपात स्थिति में ही लो। नंबर 23, बच्चा फैल हो जाए तो इस बात को गुप्त रखो, वरना बात जाहिर होने का बच्चे की मानसिकता पर विपरीत असर हो सकता है। नंबर 24, शादी हो जाने पर पिछले प्रेम प्रसंग बताने की जरूरत नहीं, आपने सुहागरात में ही अपनी पोल खोल दी तो उसके आगे जाकर गंभीर परिणाम होंगे और हमेशा आपको ताने सुनने को मिलेंगे। नंबर 25, पति के घर की बातें कभी मायके वालों को न बताएं। नंबर 26, किसी गरीब को दिए गए दान की बात उजागर न करो, इससे उसका पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। नंबर 27, किसी से कर्ज या उधार लेने की बात किसी को न बताओ। नंबर 28, बुजुर्ग द्वारा लिखी गई वसीयत अपने तक सीमित रखें और इस बात को बहुत नज़दीकी वकील के अलावा किसी को न बताएं। अगर वारिस नालायक हुआ या हुई तो बुजुर्ग पर वसीयत अपने मन माफिक लिखवाने के लिए नाजायज़ दबाव बना सकते हैं। नंबर 29,
कई बार नज़दीकी रिश्तेदार से किसी का कोई अवैध संबंध बन जाए या नज़दीकी रिश्तेदार बहनोई विशेष रूप से कोई अनैतिक कार्य कर बैठे तो रिश्तेदारों से जो भी करना हो करिए, मगर यह बात घर परिवार से बाहर नहीं जानी चाहिए। नंबर 30, पुरानी कहावत है कि पति पत्नी को भी एक दूसरे के समक्ष पूरी तरह एक्सपोज नहीं होना चाहिए। जमाना बड़ा खराब है दोस्तों, जरा अलर्ट होकर रहो, छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखो। कई कांड हो चुके हैं जिनमें एक दोस्त ने दूसरे की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के घर चोरी की। दोस्तों के साथ खाते पीते वक्त सतर्क रहिए, क्योंकि करीबी दोस्त से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। दोस्तों आपकी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आने तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आपने जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे दोस्त।